हेलो दोस्तों, समर सीज़न यानी तेज़ गर्मी का, लू का, उमस का सीज़न होता है। ऐसे मौसम में कौन कौन सी है बेस्ट सब्जियां हार्ट पेशेंट्स के लिए या बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए, आज इस पर बात करेंगे। ये सब्जियां आपके लिए अच्छी क्यों हैं और क्या फ़ायदा आपको करती है और किस तरह से वो आपको समर हीट से या समर में बॉडी में जो मौजूद इन्फ्लेमेशन है या हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं, इससे आपको कुछ हद तक मदद करेगी बचाने में। आज इन सब सब्जियों पर हम बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना ना पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। समर सीजन में सबसे अच्छी सब्जियां जो कि इजीली अवेलेबल होती है उसमें टमाटर बहुत अच्छा है। टमाटर में मौजूद है लाइकोपीन, इसमें एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ये होता है जो कि हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन के, पोटाशियम और फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, तो आप इसको रायके ले सकते हैं। इसके जूसेस या सूप भी बना सकते हैं, लेकिन सूप बनाने में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रहता है कि आप इसका फाइबर कंटेंट को निकाल देते हैं और आप इसको बहुत ज़्यादा अगर सॉल्ट इसमें डालते हैं या बहुत ज़्यादा इसको ब्रेड क्रम्स के साथ खाते हैं तो नुकसान करेगा। अदरवाइज़ आप इसको अगर डायरेक्टली लेते हैं या डायरेक्टली इसका कोई जूस बना के पीते हैं या सब्जियों में इसको खाते हैं तो ये काफ़ी हेल्दी है। इसके अलावा हरी साग सब्जी काफ़ी अच्छा है, जैसे स्पिनैच यानी पालक, केल, स्विस चार्ट, कोलार ग्रीन्स, ये सारी हरी साग सब्जियाँ हर मौसम में अच्छी है। इसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी कैलोरीज को भी कम करते हैं, वजन को भी कम करते हैं। पोटाशियम अच्छा होता है, ये पोटाशियम आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। समर सीज़न में वैसे भी इतना मेंटल स्ट्रेस होता है, ऐसा गर्मी और पसीने का मौसम होता है कि आपका ब्लड प्रेशर वैसे भी थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है। ऐसे टाइम पे हरी साग सब्जी या इससे बने हुए जूसेज या स्मूदी आपकी पानी की कमी को भी पूरा करेंगे और आपके विटामिन मिनरल्स की कमी को भी पूरा करेंगे। इसके अलावा बेल पेपर्स यानी शिमला मिर्च में विटामिन ए और सी का कंटेंट अच्छा होता है, पोटाशियम और फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं जो कि हार्ट डिजीज से आपको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। इस मामले में शिमला मिर्च आप रेगुलर बेस पर ले सकते हैं। क्यूक्यूम्बर यानी खीरा का सबसे अच्छा प्रॉपर्टी होता है कि ये काफ़ी हद तक पानी का कंटेंट इसमें होता है, तो समर सीजन में एज सैलड भी आप इसको ले सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं, तो शरीर की पानी की कमी को भी ये पूरा करेगा और ओवरऑल वजन को भी कम करने में, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में आपकी मदद करेगा। तो क्यूक्यूम्बर यानी खीरा एक काफ़ी अच्छी सब्जी है, समर सीज़न के हिसाब से इसको ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, काफ़ी हेल्दी है। इसके अलावा ब्रोकोली एक अच्छी सब्जी है, इसमें विटामिन मिनरल का कंटेंट अच्छा है। इसमें मौजूद है सल्फोरापेन जो कि बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इन्फ्लेमेशन यानी बॉडी में मौजूद सूजन जो कि हार्ट अटैक, लकवा और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स के होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है। अलग अलग तरह के आर्थराइटिस और हार्ट या बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बढ़ाने में इन्फ्लेमेशन का बहुत रोल होता है, इसको कम करने में मदद करता है। अगला इंपॉर्टेंट सब्जी कैरेट्स यानी गाजर, इसमें है मौजूद बीटा कैरोटीन जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ए, विटामिन के और पोटाशियम और फाइबर, ये सारी चीज़ें बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करती है और हार्ट अटैक के रिस्क को कम करती है, ओवरऑल विटामिन और मिनरल्स की कमी को भी पूरा करती है। तो ये एक अच्छी सब्जी माना जाएगा जो कि आपके लिए हेल्दी है, सैलड के फॉर्म में भी या डायरेक्ट भी इसको आप खा सकते हैं, तो ये आपके वजन को भी कम करने में मदद करता है और प्रॉब्लम्स को भी या बीमारियों को भी कम करने में मदद करता है। हरी बीन्स भी आपके लिए अच्छी, इसमें है मौजूद विटामिन सी, विटामिन के और फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स, ये आपकी बॉडी में मौजूद इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हार्ट की हेल्थ को प्रमोट करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स का बेसिकली मतलब ये है कि बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि बेसिकली चार्ज सेल्स होते हैं जो वैसे तो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अगर ये ज़्यादा मात्रा में बॉडी में रहें तो बॉडी को नुकसान कराते हैं, अलग अलग तरह के हार्ट अटैक्स, कैंसर, लकवा, ये सब होने का चांसेस से बढ़ता है, स्किन की एजिंग इनसे बढ़ती है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स ये फ्री रेडिकल्स को हटाते हैं जिससे आपकी हेल्थ को बिगड़ने नहीं देते। अगली इंपॉर्टेंट सब्जी है बैगन यानी एग प्लांट, इसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, तो समर के सीज़न में आप इसे भी ले सकते हैं, ये अच्छी सब्जी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जी है जुकीनी जो कि एक लो कैलोरी हाई फाइबर वाली सब्जी है, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, पोटाशियम और फाइबर कंटेंट होता है। इसको आप अलग अलग तरह की क्विजींस में यूज़ कर सकते हैं और अपने समर डिशेज को न्यूट्रिशियस बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, तो समर में ये भी इजीली अवेलेबल होता है, आप इसको इजीली प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट है एस्पैरेगस यानी चौलाई, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, के और फाइबर कंटेंट होता है और फोलेट होता है। इसमें है मौजूद काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स और ये विटामिन के वगैरह जो भी है ये हार्ट अटैक के चांसेस को भी कम करता है, बॉडी के कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स के रिस्क को कम करता है, ओवरऑल आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये सारी सब्जियाँ जो कि समर के मौसम में इजीली अवेलेबल रहती हैं,
ये सारी सब्जियों को आप यदि प्रयोग करते हैं, ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, तो हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे हैं और बीमारी के होने के चांसेस को कुछ हद तक कम करने में मदद करते हैं। तो ये सारी सब्जियों को आप अपने समर रेसिपीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब्ज़ियाँ विंटर में अनहेल्दी हो जाती हैं, कि विंटर में आप इनको नहीं खा सकते, पर ये इजीली समर में अवेलेबल होती है। और समर में बॉडी में डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है, इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम होता है, कुछ हद तक बॉडी का स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी सब्ज़ियाँ हो सकती हैं। आज के टॉपिक में हमने बात करी समर सीज़न में कौन कौन सी सब्ज़ियाँ हैं जो आपके लिए बेस्ट है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए।